हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिहार के जितने भी बच्चे जो मैट्रिक और इंटर के परीक्षा में एक या दो विषय में फेल हो गए थे, जिसके लिए कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होता है, लेकिन अभी जो वर्तमान में कोविड-19 महामारी फैली हुई है उसमें बहुत ख़राब परिस्थिति है, तो विषम परिस्थितियों के चलते आगामी 2-3 महीने तक ये कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं कराया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी प्रतीत नहीं हो रहा है। तो इसी के मद्देनज़र जो बच्चे एक या दो विषय में फेल हैं उन सभी बच्चों को पास कर दिया गया है। उसी से संबंधित यह है, विजय कुमार चौधरी मंत्री शिक्षा विभाग ने आज दिनांक 18/6/2021 को बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक की वार्षिक परीक्षा 2021 की परीक्षा संपन्न कराकर परीक्षा फल प्रकाशित किया जा चुका है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अब कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति के चलते आगामी 2-3 माह में भी कंपार्टमेंटल परीक्षा कराया जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। दूसरी ओर अगर 2-3 माह बाद कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो परीक्षा फल का प्रकाशन जो है 1 अक्टूबर-1 नवंबर से पहले संभव नहीं होगा। इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने का लाभ भी नहीं मिल पाएगा और कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना थी। तो उपरोक्त परिस्थिति में छात्रहित के मद्देनज़र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक परीक्षा 2021 में एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपवाद स्वरूप कुछ अतिरिक्त ग्रेस अंक देकर उत्तीर्ण करने की समिति को प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने सहमति प्रदान की है। इस क्रम में मंत्री शिक्षा विभाग ने घोषणा की कि इस निर्णय के तहत अतिरिक्त ग्रेस से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परीक्षा फल तैयार कर लिया गया है, जो समिति का वेबसाइट दिया गया है। यहाँ पे जाके दिनांक 9/6/2021 के अपराहन 5 बजे से उपलब्ध रहेगा, जिस पर विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इस अवसर पर संजय कुमार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग एवं आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी उपस्थित थे। तो जो बच्चे एक या दो विषय में फेल थे उनको पास कर दिया गया है, उनके भविष्य को देखते हुए, क्योंकि समय पे एग्ज़ाम नहीं होगा, समय पे रिजल्ट नहीं निकलेगा तो फिर इन लोगों को अगली क्लास में कहीं एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो फिर एग्ज़ाम लेने से क्या फ़ायदा। तो उसी के मद्देनज़र एक या दो विषय में फेल विद्यार्थियों को पास कर दिया गया है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।